नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयनका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैयाओं का स्वागत है मेरे चैनल गोयनका मैथ्स स्टडी में। कल तक हमने आपको 3D में एंगल बिटवीन टू लाइंस इफ डायरेक्शन कोसाइन्स आर गिवन, ये कॉन्सेप्ट कल हमने आपको क्लियर करा दिया था। आज का जो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आज की अपनी इस वीडियो में, जब दो लाइन परपेंडिकुलर हों तो क्या सिचुएशन बनेगी डायरेक्शन कोसाइंस की, पैरेलल हो तो क्या सिचुएशन बनेगी, और जब डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हो, क्योंकि हमने आपको डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू इन द टर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियोज में इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से चेन बनी हुई है। ठीक है जी, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आज का, कल जो हमने आपको कॉस थीटा इक्वल टू क्या बताया था, एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन, वेयर एल वन एम वन एन वन एल टू एम टू एन टू आर दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बोथ लाइंस। ओके, ये आपको कल बताए थे। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाए यानी उनके बिटवीन का एंगल थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 90, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो इफ, पहली कंडीशन आज की वीडियो का पहला टॉपिक, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो यहां थीटा इक्वल्स टू 90 पुट कर देंगे तो एल वन एल टू प्लस एम वन एन टू प्लस एन वन एन टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये पहली सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन है, बोथ लाइन्स आर पैरेलल, देन व्हाट इज द कंडीशन, तो उसके लिए आपको कॉस थीटा की वैल्यू को साइन के टर्म में कन्वर्ट करना। साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला, और हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था डायरेक्शन रेशियोज का, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू। अब यहाँ पर दो लाइन है तो इस बन के प्लेस पर आप लिख सकते हैं एल वन स्क्वायर प्लस एम एम वन स्क्वायर प्लस एन वन स्क्वायर इंटू, ऐसे ही वन इंटू वन कर दो इसको तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, ऐसे ही दूसरे वाले बन के प्लेस पर लिख देंगे एल टू स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर, और ये हमारा एजेट कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन प्लस एम वन एन टू प्लस एम टू एन वन का होल स्क्वायर, एन वन एल टू प्लस एन टू एल वन का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब इस सिचुएशन को आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन का सिमिलर टर्म्स का, यानी साइक्लिक टर्म्स बन गए ना, एल वन एम टू इधर, फिर एम वन एन टू, और फिर इधर एन वन एल टू, साइक्लिक टर्म्स बन गए। तो आपके साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन का होल स्क्वायर, या फिर एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन का होल स्क्वायर प्लस एम वन एन टू माइनस एम वन एम टू एन वन प्लस एन वन एल टू प्लस माइनस एन टू एल वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी, ये या माइनस। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब पैरेलल की सिचुएशन, किसकी सिचुएशन बनानी, पैरेलल। अब यहीं से यदि आपसे टेन थीटा में कंडीशन पूछ ले तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई, कॉस थीटा अपॉन इतना आ गया। सेकंड सिचुएशन, इफ बोथ लाइंस आर पैरेलल, बोथ लाइंस आर, जब दोनों लाइंस पैरेलल है तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। इस वैल्यू को मैं इसमें डाल दूं, साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट
एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन इक्वल टू जीरो। तो एल वन एम टू इक्वल टू एल टू एम वन, तो एल वन अपॉन एल टू इक्वल टू एम वन अपॉन एम टू। जब आप इसकी कंपेयरिंग कराएंगे तो क्या आ जाएगा, एम वन एम टू इक्वल टू एन वन एन टू। और जब इसकी कंपेयरिंग कराएंगे तो एल वन एल टू इक्वल टू एन वन अपॉन एन टू। तो सिमिलर के लिए कंडीशन बन जाएगी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिमिलरली एम वन अपॉन एम टू इक्वल टू एन वन अपॉन एन टू एंड एन वन अपॉन एन टू इक्वल टू एल वन अपॉन। सो बोथ लाइन्स आर सिमिलर, देन सिचुएशन बन गई आपकी एल वन अपॉन एल टू इक्वल टू एम वन अपॉन एम टू इक्वल टू एन वन अपॉन। ये नोट करें को एंगल बिटवीन टू लाइन्स टू लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन, डायरेक्शन रेशियोज आर तो एल इक्वल टू हमने क्या बताया था, कोई बता सकते हैं क्या आप में से, एल इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना जब डायरेक्शन रेशियो दिए गए हों। यस, ए अपॉन स्क्वायर रूट, यही तो बताया था। तो ऐसे ही एल वन इजकल टू क्या हो जाएगा, ए वन अपॉन स्क्वायर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर। तो जो आपका कॉस थीटा इक्वल टू एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू फॉर्मूला है, एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू, यहाँ पर आपको L1 M1 N1 L2 M2 M2 को रिप्लेस कर देना है इनके टर्म्स में। तो आपका cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा निकल करके, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस, ये नोट कर लेंगे। तो जब डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हो तब एंगल, ऐसे ही परपेंडिकुलर की कंडीशन, यहाँ से दोनों सिचुएशंस, इफ बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, बोथ लाइंस आर तो cos 90 इक्वल टू जीरो, तो ये पूरा आकर के तो जीरो हो गया। तो सिचुएशन क्या बन गई, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू। इफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल उसके लिए आपको पहले साइन के टर्म में फाइंड आउट करना पड़ेगा, किसके टर्म में फाइंड आउट करना पड़ेगा, और साइन थीटा भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट सिग्मा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का, यानी ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का होल स्क्वायर प्लस बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन का होल स्क्वायर प्लस सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया। और अपॉन में आपका ये एज इट इज टर्म हो जाएगा स्क्वायर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इन टू स्क्वायर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस, इतना आ गया। अब यहाँ पर सिचुएशन, इफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल, बोथ लाइन्स आर पैरेलल, तो पैरेलल है तो फिर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, तो यहां पर आप जीरो डाल देंगे, तो फिर हमारी सिचुएशन बन जाएगी ए वन अपॉन बी वन, ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू इक्वल सी वन अपॉन, इसको नोट करो, ये डायरेक्शन रेशियो की इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहली कंडीशन पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर ए एंड पासेज थ्रू अ पॉइंट, उस लाइन का उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना जो किसी एक दिए हुए वेक्टर के पैरेलल हो और किसी एक पॉइंट से पास हो रही हो, ठीक है, समझो कैसे। ये पॉइंट ए मान लें हम इसको, मान लीजिए आपके पास में ये कोई लाइन है जो इस पॉइंट ए से पास हो रही है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1,
ये जो दी हुई लाइन है किसी एक वेक्टर के पैरेलल है, और मान लिया ये वेक्टर हमारा ए है, इस वेक्टर के पैरेलल है ये लाइन। हमने सपोज कर लिया कि इस लाइन पर कोई एक दूसरा पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है। ठीक है, ए पी इज अ लाइन विच पैरेलल टू गिवन वेक्टर ए पासेज थ्रू अ पॉइंट ए व्हिच कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन जेड वन एंड लेट अनदर पॉइंट पी लाइज ऑन द सेम लाइन। ठीक है, क्लियर हो गया। इतनी सी बात हमें सपोज में लिख लेंगे, यहां तक किसी को कोई डाउट? अब ये वेक्टर ए इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, तो क्या होगा जी? जब कोई दो लाइन पैरेलल होती हैं तो हमने क्या सिचुएशन बताई थी? लैम्डा के रेशियो में उनका रेशियो सेम होगा। तो वेक्टर ए पी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए, इतना होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक की कहानी क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक की कहानी में? अब ए पी कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब पोजीशन वेक्टर के लिए हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पर ही हमारा कोई ओरिजिन है हुज कोऑर्डिनेट 0, 0, 0। ठीक है, और ओ ए का हमने वेक्टर मान लिया बी, और इसका वेक्टर मान लिया हमने आर, पॉइंट का जो हमने दूसरा पॉइंट लिया है उसका वेक्टर हमने क्या सपोज कर लिया? आर सपोज कर लिया। क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम? तो नजरें बोर्ड पर, कान हमारी आवाज पर, फिर कोई चर्चा नहीं करनी। हाँ जी, तो अब वेक्टर बी, ठीक है, इस पॉइंट का ए का पोजीशन वेक्टर हमने सपोज कर लिया, इसमें भी लाइन में मैं जो आपको पहला वाला टॉपिक जो बता रहा हूँ वो किसका बता रहा हूँ? वेक्टोरियल फॉर्म बता रहा हूँ। कौन सी फॉर्म करा रहे हैं आपको अभी? फिर आपको कार्टेशियन फॉर्म बताएंगे, पॉइंट्स के टर्म्स में हो जाएगा ये। ठीक है जी, तो अब देखिए पोजिशन ऑफ वैक्टर पी क्या है आपका? पोजिशन ऑफ वैक्टर ये इज इक्वल टू लैम्डा वैक्टर ए, पोजिशन ऑफ वैक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वैक्टर, तो वैक्टर आर इक्वल टू वैक्टर बी प्लस लैम्डा वैक्टर। अब बहुत सी जगह पर क्या करते हैं कि जो पैरेलल वाला है उसको बी ले लिया है, इसको ए ले लेते हैं, तो फॉर्मूला बस चेंज क्या हो जाएगा? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, बात वही है। यानी जिसके पैरेलल लिया गया है उसमें लैम्डा का इनटू होगा, जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसका वेक्टर उसमें प्लस होगा पोजीशन वेक्टर। इतनी सी कहानी है, कोई नई कहानी नहीं है। क्लियर हो गया? अब कार्टेशियन फॉर्म, यही पर वैल्यू डाल दो। वेक्टर आर की कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगी? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इतना बन गया इज इक्वल टू। वेक्टर बी का क्या बन गया? एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के प्लस लैम्डा वेक्टर ए, और इस ए वेक्टर को हमने सपोज कर लिया ए आई प्लस ए वन आई, ए बी सी में ले लो, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप। ये हमने वेक्टर ए ले लिया जिसके पैरेलल दिया हुआ है, या ए वन ए टू ए थ्री ले लेते हैं बहुत सी जगह पर, ठीक है ना, ए वन ए टू ए थ्री ले लेते हैं, हमने ए बी सी ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसकी सेहत में कोई फर्क नहीं आएगा। इसको उठा करके इधर ले आए तो x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप इक्व टू लेमडा, और ये वेक्टर हमारा क्या था?
ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो लैम्डा ए आई कैप प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस लैम्डा सी के कैप, कंपेयरिंग करा लें। तो लैम्डा तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो आपका फॉर्मेट क्या बन जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन इजिकल टू, जब इससे कंपेयर कराएंगे तो ए अपॉन में आ जाएगा अपॉन ए। ऐसे ही ए इक्वल टू किसके होगा, बाई माइनस बाई वन अपॉन और जेड माइनस जेड वन अपॉन। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो गया, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेज थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, और इट इज द वेक्टर फॉर्म। नोट करें दोनों को, स्ट्रेट लाइन पासेज थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है जी। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेज थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, तो लेट पॉइंट ए हुज वेक्टर इज ए वेक्टर और अनदर पॉइंट बी, और ये हो गया आपका एच टू वाई टू जेड टू जिसका वेक्टर, लेट अनदर पॉइंट पी लाइज ऑन दिस लाइन हुज वेक्टर इज आर एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई जेड। इतनी सी बात समझ में आ गई। ए बी और ए पी दोनों क्या हैं, पैरेलल है कि नहीं है? तो वेक्टर ए पी इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा वेक्टर ए बी होगा कि नहीं होगा? तो ए पी का कैसे निकलेगा जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू बी के लिए लैम्डा इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। दोनों को पोजीशन दिला देंगे, पी का पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर, लैम्डा माइनस, तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर, इट इज द वेक्टोरियल फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म के लिए वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करने पर आपका क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस। नोट कर लेंगे और चैप्टर इज कंप्लीट, क्योंकि प्लेन आ ही नहीं रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।